यूपीएससी सीसीए 2020 में एक टेढ़ा सवाल आता है। अब सीखते हैं कि ऐसे टेढ़े सवाल को सीधा कैसे बना सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कि एक रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1.272727277 ऐसे चलता जा रहा है, इसको कौन से फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो भी ऐसा रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हो उसको हमेशा x एज्यूम कर लेना चाहिए, और अगर 1.272727 ऐसे चलता जा रहा है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1.27 के ऊपर बार, इसका मतलब 27 बार बार रिपीट होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 100x is equal to 127.27 के ऊपर का बार। अब 127.27 बार को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 126 plus 1.27 का बार, और हमें पता ही कि 1.27 का बार क्या है, कुछ नहीं है बस x है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें 14/11 आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा है, b is the correct answer।